अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू एंड द वीडियो। दिस इज फारूक खान, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो यस्टरडे हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 23 इनहेरिटेंस, ये बॉटनी का पार्ट है और उसमें हमने पहले इंट्रोडक्शन कर लिया था कि मेंडल कैसे सक्सीड हुए थे, उनके चॉइस ऑफ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था, स्टडी क्या था, मैटर ऑफ स्टडी क्या था। आज की वीडियो में हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टार्ट करेंगे। ये लॉ क्या होता है, ये मेंडल का फर्स्ट लॉ है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और एक और लॉ होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। आज हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन करेंगे। इसको लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, क्योंकि क्या होता है कि एक ऑर्गेनाइजम्स में एक करेक्टर के लिए, एक ट्रेड के लिए दो फैक्टर्स होते हैं। हम उसको कहते हैं कि एक आता है फ्रॉम पैटर्नल साइड फ्रॉम फादर और एक आता है फ्रॉम मैटर्नल साइड मदर। तो ये होती है एलील्स। जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप, और फिनोटाइप होता है फिजिकल अपीयरेंस। हम ये कहते हैं जीन होती है ना, उसकी जो अल्टरनेटिव पेयर होता है उसको हम एलील्स कहते हैं। लाइक अगर आपके पास हेयर्स का हम करेक्टर की बात करें, हेयर में आपकी एक जीन है ब्लैक और एक है ब्राउन, तो ये दोनों एक ही करेक्टर की जीन है, इनको हम कहेंगे एलील्स। तो जीन का जो अल्टरनेटिव पेयर होता है उसको हम कहते हैं एलील्स। अब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में ये बात होती है कि जब भी गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है तो पैटर्नल साइड्स और मैटर्नल साइड्स से जब आते हैं तो वो जो कंट्रास्टिंग करेक्टर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन कंट्रास्टिंग करेक्टर सेपरेट हो जाते हैं और पास होते हैं डिफरेंट गैमेट्स में। इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेट होना, अलग होना, ब्रेक होना, सेपरेट होना, और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, क्योंकि गैमेट की फॉर्मेशन में सिर्फ और सिर्फ एक एलील पास हो रही है, डिफरेंट गैमेट्स में सिर्फ एक एलील पास होगी। ये हाइब्रिडाइजेशन होती है ओनली वन करेक्टर ट्रेड की, देयरफॉर क्रॉस इन्वॉल्व होता है इन द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड और डाइहाइब्रिड की बात भी अभी करेंगे। नेक्स्ट, ये कहते हैं कि फैक्टर्स ऑफ ईच स्टेट सेग्रीगेट ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, सो हर गैमेट के पास सिर्फ और सिर्फ एक एलील होगी फैक्टर की। हम ये कहेंगे कि एक करेक्टर की सिर्फ और सिर्फ एक एलील होगी, एक जीन होगी, उसको हम कहेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। मतलब वन गैमेट इज इक्वल टू वन एलील, वन गैमेट के पास सिर्फ और सिर्फ वन एलील है जो एक मदर से आएगी और एक फादर के तरफ से आएगी। जब भी उसके पास क्या होगा, उसके पास दो आ जाएंगी एलील्स। हेयर की ही आप बात कर लें, अगर मैं आपको ये बताऊं कि ये गैमेट क्या होता है, तो गैमेट होते हैं ओवा फीमेल में और मेल में होते हैं स्पर्म। तो ये क्रॉस दिया हुआ है, ये प्योर राउंड सीड प्लांट है और ये प्योर रिंकल सीड प्लांट है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है एक करेक्टर के साथ क्रॉस करवाएंगे, जबकि अगर हम डायहाइब्रिड क्रॉस अभी करेंगे ना तो उसमें दो करेक्टर होंगे, जैसे राउंड सीड और रिंकल सीड है, और एक कलर भी ले लें, येलो ले लें और अगर ऑरेंज ले लें, तो ये कलर के साथ क्रॉस करवाएंगे एक और करेक्टर को, दो करेक्टर हो जाएंगे तो वो डायहाइब्रिड क्रॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे यही कहा हुआ, ये राउंड सीड है, इनके ये गैमेट्स हैं, इनके ये गैमेट्स हैं, गैमेट्स को अलग अलग कर दिया और देन फिर वो एक एक गैमेट आ गया। तो इसको हम कह रहे हैं कि ये राउंडेड सीड प्लांट्स हैं और इसमें जब गैमेट की फॉर्मेशन हुई है तो सिर्फ और सिर्फ दोनों सेपरेट हो गए, दोनों गैमेट सेपरेट हो गए और देन फिर आगे जनरेशन में, एफ1 जनरेशन में कोई एक एक आया है, अपेयर हुआ है, तो उसको हम कहते हैं कि ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। P2 जनरेशन होती है, तो इन दोनों का जब आप सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा देंगे, इसकी सेल्फ फर्टिलाइज करवा देंगे इसी से, तो क्या होगा, यहाँ पे R और R गैमेट्स की अलग से फॉर्मेशन हो गई, अलग से एग्रीगेट हो गई ये, और देन फिर आप जब इसका क्रॉस करवाएंगे तो आपके पास ये चार प्लांट आ गए, R R R R R, यहाँ पे आप देख सकते हैं कैपिटल R कैपिटल R, ये राउंड सीड्स हैं, कैपिटल R स्मॉल R ये भी राउंड सीड्स हैं, लेकिन ये हाइब्रिड है, ये मिक्सचर है, ये भी स्मॉल आर है, प्योर रिंकल सीड्स, जबकि स्मॉल आर और कैपिटल आर हाइब्रिड राउंड सीड्स हैं। तो ये होती है सेल्फ पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन, यहाँ पे हमने सेल्फ फर्टिलाइज कर देते हैं, एफ1 जनरेशन को सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं उसी से, उसी गैमेट से, देन फिर फॉर्मेशन हो जाती है F2 जनरेशन की। अब यहाँ पे उन्होंने कुछ मेंडल्स टर्म को करेक्टर को शो किया हुआ है, डिफाइन किया हुआ है, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, जीनोटाइप, फेनोटाइप क्या होता है। तो याद रखें, जीनोटाइप होता है जेनेटिक मेकअप। जेनेटिक मेकअप का ये मतलब होता है जो आपको दिखता नहीं, अगर आपका ब्लड ग्रुप बी है तो इसका ये मतलब है कि आपको ब्लड ग्रुप पता चल रहा है, फिजिकल अपीयरेंस उसकी बी है, लेकिन क्या है कि आपको ये पता है कि आपका ब्लड ग्रुप होमोजाइगस है या हेटरोजाइगस है। तो ये जो जेनेटिक मेकअप होता है ना, जो हमें पता नहीं है, जो हमें दिखता नहीं है नेकेड आई से, उसको हम कहते हैं कि ये है जेनेटिक मेकअप। अब यहाँ पे हम ये होमोजाइगस और हेटरोजाइगस होता है, होमोजाइगस ये है, होमोजाइगस ये कैपिटल आर और कैपिटल आर है, बिल्कुल एक्जैक्टली सेम है ये, कैपिटल आर और स्मॉल आर है, स्मॉल आर है। तो ये क्या है, प्योर रिंकल सीड्स हैं, प्योर राउंड सीड्स हैं, ये होमोजाइगस हैं, जबकि हेटरोजाइगस दोनों अलग है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, लाइक हाइब्रिड राउंड सीड्स।
तो ये होती हैं टर्म्स, ये फैक्टर्स होते हैं फॉर जीन एंड ट्रेड लाइक होमोजाइगस फॉर प्योर ब्रेड ऑफ अ ट्रेड, जबकि हाइब्रिड हेट्रोजाइगस होता है वो हाइब्रिड होता है, इम्प्योर ट्रेड होता है, मिक्सचर होता है। फेनोटाइप फिजिकल अपेयरेंस, जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप होता है। राउंड सीज होमोजाइगस आर, कैपिटल आर कैपिटल आर है, राउंड सीज हेट्रोजाइगस कैपिटल आर स्मॉल आर है। अब जब हम लोग ये पढ़ रहे होते हैं सेल्फ फर्टिलाइज, जब सेल्फ पॉलिनेटेड करवा रहे होते हैं, तो हम लोग टू टाइप्स ऑफ टर्म्स और भी पढ़ते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव। टू टाइप्स ऑफ प्लांट्स होते हैं, डोमिनेंट और रिसेसिव का ये मतलब होता है कि जब भी आपके पास कोई प्लांट अपने आप को शो करेगा F1 जनरेशन में या F2 जनरेशन में और उसकी ज़्यादा तादाद होगी, उसको हम कहते हैं डोमिनेंट, इसने अपने आप को ज़्यादा शो किया। और रिसेसिव F1 जनरेशन में क्या होता है, F1 जनरेशन में देखें, F1 जनरेशन में क्या हुआ था, यहाँ पे सारे राउंड सीड्स हैं, यहाँ पे है ये हाइब्रिड है बिल्कुल है, लेकिन होगा तो क्या, कैपिटल आर है, इसका ये मतलब है कि ये डोमिनेंट है। तो F1 जनरेशन में क्या होता है, F1 जनरेशन में ये मेंडल ने, आपने पढ़ा जब मैंने इंट्रोडक्शन दिया था तो मैंने बताया था कि मेंडल ने ये देखा था हर करेक्टर में, 7 करेक्टर में एक ही रिजल्ट आया था, एक ही रेशियो आया था कि F1 जनरेशन में सब के सब डोमिनेंट थे और F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो था और उसमें 3 डोमिनेंट थे 1 रिसेसिव था। तो ये होता है डोमिनेंट और रिसेसिव, कि वो करेक्टर जो अपने आप को, वो प्लांट का वो करेक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करता है उसको हम डोमिनेंट कहते हैं, और रिसेसिव वो होता है जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, मास्क कर लेता है उसके इफेक्ट को। फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 होता है रिस्पेक्टिवली इन द, हम ये कहते हैं कि इन द F2 जनरेशन, और जेनोटिपिकली जेनोटिप जो मेकअप होता है वो होता है 1:2:1, क्योंकि उसमें क्या होता है कि उसमें ना, अभी हम दिखा भी देते हैं, होमोजाइगस राउंड सीड्स होते हैं, हेट्रोजाइगस राउंड सीड्स होते हैं और होमोजाइगस रिंकल सीड्स होते हैं। ये देखें राउंड सीड्स और राउंड सीड्स दोनों हैं, सही है, ये राउंड सीड्स, ये 3:1 है, फिजिकल अपेयरेंस है, ये आपको सबके सब डोमिनेंट दिख रहा है, और ये क्या है, ये रिंकल सीड्स हैं, और आप ये कह सकते हैं कि आपको डार्फ दिख रहा है। ये देख सकते हैं आप कि रेशो क्या है, 1:2:1 है, 1:1 में प्योर राउंड सीड्स हैं और प्योर रिंकल सीड्स हैं, जबकि 2 में राउंड तो हैं लेकिन वो हाइब्रिड है। तो ये होता है जेनेटिव मेकअप जो आपको दिख रहा होता है, लाइक जेनेटिकली इनका होमोजाइगस हेट्रोजाइगस भी है, लाइक राउंड सीड्स होमोजाइगस भी है और राउंड सीड्स हेट्रोजाइगस भी है, ये होता है जेनेटिक मेकअप। अब नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट टेस्ट क्रॉस। टेस्ट क्रॉस क्या होता है, टेस्ट क्रॉस जब करते हैं जब आपको होमोजाइगोसिटी या हेट्रोजाइगोसिटी को डिफाइन करना होता है किसी भी प्लांट को। अब प्लांट का आपको तो नहीं पता ना, प्लांट टॉल है, लेकिन टॉल आपको होमोजाइगस है टॉल या हेट्रोजाइगस टॉल है, लाइक कैपिटल टी और कैपिटल टी होमोजाइगस, कैपिटल टी और कैपिटल टी होमोजाइगस होंगे टॉल, और कैपिटल टी और स्मॉल टी ये होंगे हेट्रोजाइगस। सो ये हमें, ये इसको डिफाइन करने के लिए हम करते हैं टेस्ट क्रॉस टू आइडेंटिफाई होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ डोमिनेंट प्लांट। समटाइम्स ये कन्फ्यूजन हो जाती है कि फेनोटाइपिकली डोमिनेंट प्लांट्स एग्जैक्टली सेम है तो वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है, लाइक उनका जीनोटाइप जेनेटिक मेकअप कैसा है, तो दैट्स वाई हम ये क्रॉस करवाते हैं टू डिफाइन होमोजाइगोसिटी और हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ डोमिनेंट प्लांट्स। जब भी हम लोग क्रॉस करवाते हैं डोमिनेंट होमोजाइगस को रिसेसिव से, तो वो सारे ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट आते हैं फेनोटिपिकली फिजिकल अपेयरेंस में, बट जब भी हम लोग हेट्रोजाइगस का क्रॉस करवाते हैं ऑफस्प्रिंग के साथ, रिसेसिव ऑफस्प्रिंग के साथ, तो हाफ रिसेसिव होते हैं हाफ डोमिनेंट होते हैं, तो दैट्स व्हाई हमें पता चल जाता है कि पैरेंट प्लांट होमोजाइगस था या हेट्रोजाइगस था। जैसे अभी हम कर लेते हैं, अगर ये होमोजाइगस है तो यहाँ पे टॉल और डार्फ का दिया, वही टॉल का कैपिटल टी लिया है हमने, डार्फ तो स्मॉल टी होता है, डार्फ रिसेसिव होता है, ये होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस नहीं हो सकता। तो अगर आप कैपिटल टी और स्मॉल टी लेते हैं तो ये क्या होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी ये रिसेसिव नहीं हो सकता, रिसेसिव करेक्टर में 2 रिसेसिव जीन होनी चाहिए, एलील्स होनी चाहिए, ये हो जाएगा हेट्रोजाइगस डोमिनेंट। तो यहाँ पे टॉल प्लांट्स आ रहे हैं सबके सब, यहाँ पे टॉल और डार्फ को करेंगे तो यहाँ पे ये हेट्रोजाइगस आप देख सकते हैं, हेट्रोजाइगस और ये फिर रिसेसिव करेक्टर है, इनको करवाएंगे आप क्रॉस तो यहाँ पे 50% टॉल और 50% डार्फ आ जाएगा 1:1। करवा भी देती हूँ कि आपको कहीं कन्फ्यूजन ना हो, यहाँ पे कैपिटल टी और कैपिटल टी लिख लिया, ये होमोजाइगस टॉल है, सही है, होमोजाइगस डोमिनेंट और ये रिसेसिव करेक्टर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब के सब प्लांट्स टॉल हैं। अगर हम लोग यहाँ पे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 50-50% करेक्टर आ रहा है, 50% यहाँ पे टॉल है, आ जाता है हेट्रोजाइगस डोमिनेंट में रेशो, और होमोजाइगस डोमिनेंट में ऑल टॉल प्लांट्स होते हैं फेनोटाइपिकली, जबकि इनका जीनोटाइप सबका सेम होता है, वो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है ये। तो ये होता है क्रॉस, ये हेट्रोजाइगस और होमोजाइगोसिटी को डिफाइन करने के लिए हम टेस्ट क्रॉस करते हैं।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वो बस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यही थी कि गैमेट की फॉर्मेशन होती है तो जो एलील्स होती हैं वो सेग्रीगेट हो जाती हैं और हर गैमेट में एक एलील होती है, एक करेक्टर होता है। मतलब क्या होगा कि हर करेक्टर हर ट्रेड की सिर्फ और सिर्फ एक गैमेट में एक एलील होगी, ये होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और फिर एक ऑफ स्प्रिंग में दो फैक्टर्स होते हैं, एक पैटर्नल साइड और वन फ्रॉम मैटर्नल साइड। सो दैट्स इट, आई होप समझ आ गया होगा। ये बहुत ईजी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स करेंगे। ये इनहेरिटेंस ऑफ टू ट्रेड्स होता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और ये भी बहुत ईजी होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।